सबसे पहले तो मैं आप लोगों का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने मेरे उत्तराखंडी व्लॉग्स वाले वीडियो को बहुत लाइक किया, बहुत प्यार दिया। प्लीज़ गाइस, मेरे वीडियोस पे ऐसे ही प्यार बरसाते रहिएगा। हे गाइस, वेलकम बैक, स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है कुसुम जुयाल। और आज मैं आप लोगों के लिए उत्तराखंडी लुक लेके आई हूँ, वेरी सिंपल एंड ईजी। यू कैन ईजिली क्रिएट दिस लुक। तो लुक जानने के लिए चलते हैं वीडियो में। मैंने अपने फेस को वॉश कर लिया था और उसके बाद ये मेरा होममेड टोनर है जिसको मैं डाल रही हूँ, और उसके बाद मैं मॉइस्चराइज़र यूज़ करूँगी। मैं यूज़ कर रही हूँ निविया का मॉइस्चराइज़र। आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं जो आपकी स्किन को सूट करता हो। मेकअप करने से पहले स्किन को मॉइस्चराइज़ करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद मैं अपने लिप्स को मॉइस्चराइज़ करूँगी क्योंकि आजकल विंटर्स है, तो विंटर्स में लिप्स बहुत ड्राई हो जाते हैं। इसके बाद मैं यूज़ करूँगी प्लम का सीरम जो स्किन को बहुत ही अच्छे से हाइड्रेट करता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं आजकल विंटर्स चल रहे हैं, विंटर्स में जब हम लोग फाउंडेशन लगाते हैं फिर कॉम्पैक्ट लगाते हैं तो स्किन कितनी ड्राई फील होती है। अगर आप मेकअप करने से पहले सीरम यूज़ करेंगे तो आपको ड्राइनेस की प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होगी। इसके बाद मैं यूज़ करूँगी कालाबा का प्राइमर, और इसको मैं बहुत थोड़ा सा लूँगी अपने चीक्स पे, फॉरहेड पे, नोज़ पे, चाहे तो आप अपने आईलिड पे भी लगा सकते हैं। उससे जो आपका आई मेकअप है वो बहुत अच्छे से पॉपअप होके आएगा। इसके बाद बारी आती है आईब्रोज़ की। मैं यूज़ कर रही हूँ शुगर की आईब्रो पेंसिल। और जब भी आप आईब्रो का शेड चूज़ करते हैं तो प्लीज़ ब्लैक मत चूज़ कीजिए, आप चूज़ कीजिए ब्राउन कलर, क्योंकि ये ब्राउन कलर काफ़ी नेचुरल लगता है। मेरी दोनों आईज़ कंप्लीट हो चुकी हैं, और इसके बाद मैं यूज़ करूँगी एले का प्रो कंसीलर अपनी आईलिड पे और फॉरहेड पे। दोनों आईज़ पे मैं इसको अच्छे से लगाऊंगी, और उसके बाद मैं इसको ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से ब्लेंड करूंगी। मैंने अपने कंसीलर को बहुत ही अच्छे से ब्लेंड कर लिया है, और इसके बाद मैं अपनी आईज़ को सेट करूँगी। ये है मैक का स्टूडियो फिक्स जिससे मैं अपनी आईज़ को सेट कर रही हूँ। आज मैं पहले आई मेकअप करूँगी, तो मेरी आईज़ सेट हो चुकी हैं। इसके बाद मैं यूज़ करूँगी मेकअप रेवोल्यूशन का हाइलाइटर अपनी ब्राउ बोन पे। दोनों ब्राउ बोन को बहुत ही अच्छे से मैं हाईलाइट कर दूँगी। मेरी दोनों आईज़ हाईलाइट हो गई हैं। उसके बाद ये मेरा ब्यूटी ग्लेस का आई पैलेट है जिसमें से मैं रस्टी ब्राउन कलर लेके अपने इनर कॉर्नर और अपने आउटर कॉर्नर पे प्लेस करूँगी। आफ्टर दैट मैं एक लार्जर ब्लेंडिंग ब्रश लेके कलर को अच्छे से ब्लेंड करूँगी। जितनी अच्छी आप ब्लेंडिंग करेंगे उतना ही अच्छा आपका आई मेकअप होगा। आफ्टर ब्लेंडिंग माई आई मेकअप आई विल यूज़ माई मेकअप रेवोल्यूशन आई पैलेट जिसमें से मैं यूज़ करूँगी ब्राउन शिमरी कलर, और मैं इसे फिंगर से अपने आईलिड पे प्लेस करूँगी। उसके बाद मैं एक क्लीन ब्लेंडिंग ब्रश लेके एजेस को स्मूथ करूँगी ताकि कोई हार्श लाइन ना दिखे। वन आई इज़ कम्प्लीटेड एंड सी द मैजिक। उसके बाद जो हमने रस्टी ब्राउन कलर यूज़ किया था उसको मैं अपनी लोअर लैश लाइन पे अच्छे से ब्लेंड करूँगी स्मोकी इफेक्ट देने के लिए दोनों आईज़ पे।
उसके बाद मैं काजल यूज़ करूँगी अपने दोनों आईज़ पे। मैं यूज़ कर रही हूँ लैक्मे का आइकॉनिक ऑन माई बोथ आईज़। आफ्टर यूजिंग काजल आई विल यूज़ अ ब्लैक आई शेडो ऑन माई लोअर लैश लाइन फॉर स्मोकी इफेक्ट। सी आईज़ में कितना डिफरेंस आ गया, आईज़ कितना अच्छे से हाईलाइट हो गई हैं। सी माई बोथ आईज़। इसके बाद अब मैं मस्कारा यूज़ करूँगी, ये है शुगर का हाइपर कर्ल मस्कारा। मस्कारा के बाद मैंने फॉल्सीज़ अप्लाई की थी, जो कि फॉल्सीज़ मैंने लोकल मार्केट से ली थी एंड वो मैंने ऑफ कैमरा लगाई थी। इसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ आईलाइनर, ये है शुगर का आईलाइनर। लैशेस लगाने के बाद मैं आईलाइनर लगा रही हूँ। गाइज मेरा आई मेकअप कंप्लीट हो गया है, अब मैं फाउंडेशन यूज़ करूँगी, ये है पैक का HD फाउंडेशन। पूरे फेस पे मैं इसको अप्लाई कर दूँगी और अपने नेक पे भी अप्लाई कर दूँगी और उसके बाद मैं अच्छे से इसको ब्लेंड करूँगी। आप जब भी ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करते हैं तो आप उसको वेट करके यूज़ कीजिए। अगर आप ड्राई ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करेंगे तो आपका सारा प्रोडक्ट सोक कर लेगा, और अगर आप वेट यूज़ करेंगे तो बहुत लेस प्रोडक्ट वो सोक करेगा। इसके बाद मैं कंसीलर यूज़ करूँगी, मैं यूज़ कर रही हूँ LA का प्रो कंसीलर और अपनी आईज़ को मैं अच्छे से हाईलाइट कर रही हूँ। इस तरह से कंसीलर यूज़ करने से आपकी आईज़ अपलिफ्ट हो जाती हैं। कंसीलर को मैंने बहुत ही अच्छे से ब्लेंड कर लिया है, उसके बाद मैं करूँगी कॉन्टोरिंग नोज पे, फॉरहेड पे एंड चीक्स पे, इससे कि आपके फेस को कट्स मिलते हैं। जब हम अपने कॉन्टोरिंग को ब्लेंड करते हैं तो जो चीक्स पे है उसको हम अपवर्ड मोशन में करते हैं और जो हमारा ये इसको डाउनवर्ड में और इसको अपवर्ड। इसके बाद मैं अपने फेस को मैक स्टूडियो फिक्स से सेट कर लूँगी। दिस इज़ माई सिवाना चीक एंड कॉन्टोर पैलेट, जिसमें से मैं पाउडर कॉन्टोरिंग करूँगी। और सेम पैलेट से मैं ब्लश यूज़ करूँगी, यह पीच कलर ऑन माय एप्पल ऑफ माय चीक्स। और अब बारी आती है हाइलाइटर की, जो कि एक गेम चेंजर होता है मेकअप में। मैं यूज़ कर रही हूँ मेकअप रेवोल्यूशन का हाइलाइटर, आप देख सकते हैं लगाते ही शाइन आ गई। इट गिव्स यू अ नेचुरल शाइन। अब बारी आती है लिपस्टिक की, तो मेरी रेड कलर की साड़ी है तो मैं रेड लिपस्टिक यूज़ करूँगी। तो लिपस्टिक यूज़ करने से पहले मैं रेड लिप लाइनर यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद मैं लिप्स को रेड कलर से फिल इन कर लूंगी। सी गाइज माई मेकअप इज कम्प्लीटेड और मैं आपको मिलती हूँ चेंज करने के बाद। मैंने पहाड़ी नथ, मांग टिका और गुलाबंद और पोंछी पहनी है।
तो अब कुछ ब्यूटी शॉट्स हो जाएं। दोस्तों बात करते हैं ज्वेलरी की, तो ये है हमारी पहाड़ी नथ और ये है हमारी पहाड़ी पौंछी, ये है ग्लोबन और ये है मांग टीका। तो गाइस प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको मेरा ये लुक कैसा लगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और अपने रिलेशन में शेयर कीजिए। मैं और भी आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियोज़ ऐसे ही लेके आती रहूँगी। आप सभी लोगों का प्यार मुझ पर ऐसे ही बना रहे। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।